सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अजहर चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजहर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेनोवो केट प्लस में हाल ही में इसमें ओरियो अपडेट दिया गया है, जो कि आपको 8.0 ओरियो अपडेट के साथ ही आया है। तो फ्रेंड, इसमें आने के बाद काफ़ी सारे लोग मुझे व्यूवर्स लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसमें कौन से गैलरी आप यूज कर रहे हैं और कौन सा आपको इंटरनेट का स्पीड है और कौन सा आप नाइट मोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो कि आपको नोगट में जो कि आपका नाइट मोड था वो आपको 7.0 या फिर आपको या तो 7.1.1 आपको ये इनेबलर ऐप्स आता है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाता था। जो एप्लीकेशन आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा, नाइट मोड इनेबलर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा फ़ोन यहाँ पे नॉकआउट में चल रहा था तो मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता था, जो कि आपको 7.0 एंड 7.1 दोनों में आते थे ये एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन अब आपको ये ओरियो में काम नहीं आएंगे और इसमें आपको इंटरनेट का स्पीड भी आपको दूसरा इसमें आपको एप्लीकेशन आ गए हैं और इसमें आपको जो कि आपको गैलरी का भी एक एप्लीकेशन आया है। तो फ्रेंड, ये सबको एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना है और आपको जो कि ओरियो अपडेट्स के बाद इन सभी चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर आपने ओरियो अपडेट्स में लेना है वो केट प्लस को ओरियो अपडेट्स कर दिया है तो आपको यहाँ पर गैलरी की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रात में फ़ोन को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर नाइट मोड्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब लोग मुझे काफ़ी सारे बहुत सारे लोग मुझे दिन में 10 या 5 मिनट मुझे सभी लोग कमेंट्स कर देते हैं, तो कमेंट्स करते हैं तो मैंने आज फाइनली आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपको आसानी से गैलरी, नाइट मोड और स्पीड, जो आपको इंटरनेट का स्पीड होता है जो आपको यहाँ पे शो करता है, तो सारे सारे आपको तीनों चीज़ में आपको फाइनली यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सभी लोग जो भी ओरियो में अपडेट्स किए हैं सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना, तो चलिए हम प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नेटवर्क स्पीड की, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के साथ आपको बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और मुझे कमेंट्स करने लगते हैं कि सर यहाँ पे मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करूँ जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन हो, जो कि मेरा इंटरनेट स्पीड अच्छा शो करे, जो कि मेरा फ़ोन हैंग ना करे, मेरा फ़ोन में वायरस ना लाए। अब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लाया हूँ, जो कि आपको फ़ोन को बिल्कुल आपको सेफ रखेगा, ना ही आपके कोई फ़ोन में वायरस आएगा, ना ही आपका फ़ोन लैग करेगा, हैंग करेगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाले नहीं इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, तो सिंपली आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है तो आप देख सकते हैं, आपको इसी एप्लीकेशन को यूज करना जो कि इंटरनेट स्पीड मीटर है। इसमें आपको 10 मिलियन का इसका डाउनलोड्स है, 4.5 का इसका रेटिंग्स है फ्रेंड्स, तो इसको फाइनली आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको मात्र 1 MB खर्च करने पड़ेंगे, ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका इंटरनेट स्पीड बिल्कुल इनेबल हो जाएगा। तो फाइनली इसे आपको सिंपली ओपन कर देना है। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और आप ऊपर में देख सकते हैं, जो कि मेरा इंटरनेट स्पीड यहाँ पर शो कर रहा है, आप खुद से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है डेट मोबाइल वाईफाई टोटल, यानी कि 15 जुलाई आज है। तो फ्रेंड, 15 जुलाई 2018 को मैंने कितने MB इंटरनेट यूज किया है, कितने MB मैंने वाईफाई से यूज किया है, टोटल कितने MB हुए हैं, तो यहाँ पर आपको मात्र 28 दिनों का, जो महीने में 28 या 29 दिन होते हैं जो भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको 28 या 29 दिन का ऑल डिटेल्स देंगे, आपको 28 दिनों का बताएंगे कि आपने इंटरनेट से कितने MB यूज किया है, आपने वाईफाई से कितने किए हैं और आपने दोनों टोटल से कितने यूज किया है, तो सारे सारे आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप दूसरी एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आता है गैलरी। मैं कौन सा गैलरी यूज करूं जो मेरे फ़ोन में को बिल्कुल सेफ रखे, ना ही मेरे फ़ोन को हैंग करे, ना ही लैग करे, ना तो कोई वायरस लाए। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं जो आपको गैलरी बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल गूगल के गैलरी, जो कि बिल्कुल सेफ है। उस गैलरी का नाम है क्विक पिक नाम है, जो आप शायद पहले नाम जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप इसे ही डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये गूगल का सपोर्ट गैलरी है। इसमें आपको कोई होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी आपको 10 मिलियन डाउनलोड मिल जाएगा, इसका रेटिंग आपको 4.6 का इसका रेटिंग है। तो फाइनली आपको इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। फिर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसे यूज कैसे करना है। इसमें आपको कुछ डरने वाली बात नहीं कि मेरे फ़ोन ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, आपको फ़ोन बिल्कुल सेफ रहेगा। और स्पीड नेटवर्क यहाँ पर शो कर, आप फिर से देख सकते हैं, जो कि मेरा यहाँ पर बिल्कुल शो कर रहा है, देख सकते हैं मैं बिल्कुल यहाँ पर स्पीड भी बतला रहा है, मैं आपको कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ।
तो फाइनली यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेंगे अपने फ़ोन से, बिल्कुल दे देना है। अगर नहीं मांगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ओपन कर देना है। तो फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आपको इसमें वीडियो चला सकते हैं, आसानी से वीडियो चला सकते हैं, आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे वीडियो चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने फ़ोटो को भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अपने सिंपली अपने फ़ोटो को देख सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में नहीं आपको कोई एड्स आएंगे, ना ही आपको कोई बार बार एड्स परेशान करेंगे, कोई एडवर्टाइज भी नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सेफ गैलरी है, मैं आपको लिए सेफ सेफ ऐप्स बतला रहा हूँ, ये कोई बिल्कुल फेक नहीं बतला रहा हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो यार, कोई भी इस वीडियो को नए देख रहे हो, मेरे चैनल पर आकर नए देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार। तो ये दो एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया जो कि भेरी आपको हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। तो जो कि थर्ड एप्लीकेशन आपको आता है, वो आता है आपको यहाँ पर नाइट मोड। अगर आप बाय चांस, आप तो दिन में फ़ोन यूज करते हैं, सभी लोग दिन में भी फ़ोन यूज करते हैं, और किन्हीं लोग, बहुत सारे लोग भी रात में भी फ़ोन यूज करते हैं। तो जैसा कि रात में फ़ोन यूज करते हैं, तो ये अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन नॉर्मल मोड में है, तो इसे यूज करने से मेरे आँख पर काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है, वहाँ पर आँख आपको प्रॉब्लम आने लगती है। तो फ्रेंड्स नाइट मोड आपको किस तरह काम करेगा, तो मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल मोड में है, इसे हम रात में यूज करेंगे तो मेरे आँख पर थोड़ा असर पड़ेगा, मेरा आँख की थोड़ा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, तो इसलिए ये नाइट मोड एप्लीकेशन बनाया गया है, जिससे आप रात में इसे अगर ऑन करके चलाएंगे तो आपको आँख पर बिल्कुल यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और रात में आप कितने देर भी मोबाइल चला सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप में ज़्यादा शौकीन है मोबाइल चलाने के लिए, तो आप रात में आसानी से चला सकते हैं, आपको आँख पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन नहीं आपको कोई फ़ोन को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कोई आपको आँख का नुकसान पहुंचाएगा। आप जो आपका आँख होगा जो बिल्कुल सेफ होगा, आप रात में आसानी से उस एप्लीकेशन को यूज करके अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि उसका नाम है, तो फ्रेंड उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको नाइट मोड लिखना है। नाइट मोड लिखते ही यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिससे आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कौन सा एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करूँ जो मेरा फ़ोन बिल्कुल सेफ रहेगा, मेरा फ़ोन हैंग नहीं करेगा और मैं उसे आसानी से यूज भी कर सकता हूँ। तो फाइनली इसके लिए भी मैंने आपको बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर चुन लिया है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार। तो यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर, सिंपली आपको इसे भी डाउनलोड करना है। इसका भी आप देख सकते हैं जो कि इसका डॉलर भी 10 मिलियन है, इसका रेटिंग हम देखें तो यहाँ पर 4.7 का इसका रेटिंग है, तो इसको फाइनली आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसमें भी काफ़ी सारे सेटिंग्स से आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर फाइनली इसे डाउनलोड कर लिया है, तो सिंपली यहाँ पे आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत है, आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सेटिंग करना यह है कि आप नाइट मोड को कितना रखेंगे, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, सब घटा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल रखना है तो आपको फाइनली यहाँ पे 30 रखने पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कुछ और यहाँ पे स्क्रीन डिम वगैरह दी है, आप यहाँ पे स्क्रीन को कितना लाइट रख सकते हैं, कितना आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी सिंपली आपको रखना है। और यहाँ पे आता है सेट ऑटो टाइमर, यानी कि जो आपको नाइट मोड होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आपको बार बार इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑन, जैसे कि यहाँ पे ऑन कब करना है आपको, तो ऑन तो मुझे रात में करना है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे कभी 6 बजे वहाँ पे किसी के यहाँ रात हो जाते हैं, तो कभी 7 बजे को यूज करना चाहते हैं, मतलब जिस टाइप से अंधेरा शाम में हो जाए, तो यहाँ पे 7 बजे रखता हूँ, क्योंकि 7 बजे सभी जगह यहाँ पे अंधेरा हो जाते हैं, डार्कनेस पूरा आ जाते हैं। और सुबह सुबह किसी को 6 बजे रखना है, 8 बजे रखना है, तो मान ली फाइनली यहाँ पर मैं 6 बजे रखूँगा, मुझे 6 बजे सुबह उठ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे 6 बजे रखना है, और सिंपली आपको फिर यहाँ पर ऑन कर देना है। तो फ्रेंड फाइनली आपको यहाँ पर जो कि ऑन हो जाएगा, आपको 7 बजे शाम को यह ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सुबह सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छे फीचर है जो कि अपना नाइट मोड में आप इनेबल कर सकते हैं और अपने फ़ोन को आसानी से चला सकते हैं रात में अगर रात में फ़ोन चलाने का शौकीन है तो इसे आसानी से चला सकते हैं फ्रेंड। तो अगर आप इस तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस तीनों एप्लीकेशन को आप लुफ्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो किट प्लस में और अपडेट्स के आने के बाद आप इन तीन चीज़ों का कैसे फ़ायदा उठाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम मिलेंगे फिर आपके साथ एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आपने छोटी सी कीमती टाइम निकल कर थैंक्स फॉर वॉचिंग कहना चाहता हूँ।